मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कुछ वक्त पहले सोनू निगम ने अपने एक ट्वीट के जरिए लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान पर आपत्ति जताई थी। निगम के इस ट्वीट पर काफी हंगामा मचा और जहां उनके समर्थन में कई लोग उतरे तो वहीं उन्हें ट्रोल भी किया गया था। इस विवाद के इतने दिनों बाद अब अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी इस विषय को फिर से उठाया है। सुचित्रा ने एक ट्वीट में लिखा है कि सुबह 4:45 बजे घर लौटी हूँ और अजान की आवाज ने कानों को चीर दिया है। इस तरह कट्टर तरीके से थोपी जाने वाली धार्मिकता से ज्यादा बेवकूफ कुछ नहीं हो सकता। रविवार को किए गए इस ट्वीट पर प्रतिक्रियाओं को आने में वक्त नहीं लगा। एक यूजर ने सुचित्रा को जवाब देते हुए लिखा है, जब हिंदू सेलेब्स अजान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा होता है। अजान यही करने में आपकी मदद करता है। इस पर सुचित्रा ने जवाब दिया, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हूँ, प्रार्थना, रियाज और योग करती हूँ। मुझे मेरे ईश्वर या मेरे कर्तव्य याद दिलाने के लिए किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। वहीं एक ट्वीट में सुचित्रा को आग्रह किया गया है कि सोनू निगम की तरह कहीं उन्हें भी ट्विटर छोड़ना ना पड़ जाए। इस पर सुचित्रा का जवाब था कि उनके ट्वीट के बाद लगता है अजान की आवाज और तेज हो गई है। उन्होंने उसी लोकेशन से ट्वीट किया था जहां मैं रहती हूं। आपको बता दें कि सोनू निगम ने अजान पर ट्वीट करने के बाद ये भी कहा था कि उनका मकसद एक सामाजिक मुद्दे को उठाना था, ना कि किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।